तो लोग जाते हैं परदेश में, और परदेश में कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा कमाई है, तो कुछ भी कमाई नहीं है परदेश में। तो इधर जब अपना आप सेटअप करोगे, तो जब अपना कारोबार करोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा परदेश में कमाई है या इतना अपने गांव में अपने शहरों में ज़्यादा कमाई है। तो बाहर के लोग जिस तरह गोट फार्मिंग कर रहे हैं टेडी बकरियों की, तो राजनपुरी बकरियों की, बीतल बकरियों की, अबलाक बकरियों की, लोग लेते हैं मुकाबले वाला जानवर जो ज़्यादा दूध देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लोग उनकी गोट फार्मिंग कर रहा है। तो आप आए अपने शहरों में, ज़्यादा बकरी आप नहीं रख सकते, तो थोड़ी सी जगह है आपके पास, आप कम पैमाने से स्टार्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा पैमाने पे भी जानवर ले सकते हो। तो ऐसा ऐसा आपके अभी कारोबार चलता रहेगा, तो फिर उधर जानवर बेचते रहना, तो उधर से जानवर बेचना, फिर इधर से खरीदारी करना, तो ऐसे भी आपको अच्छी मजदूरी बच जाएगी। तो फी जानवर 1,000 का, 1,000 भी आपको मुनाफा देना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत है। तो दिन में आपके 20 जानवर भी सेल हो, 30 जानवर भी सेल हो ना, तो कम से कम 25,000, 30,000 आराम से भी एक दिन का आपका मुनाफा है। तो ज़्यादा पैमाने का ये मतलब, आप ज़्यादा जानवर लोगे तो आपको कम प्राइस मिलेंगे, तो आप जिस तरह 30 जानवर लोगे तो आपको सस्ते मिलेंगे, 10 जानवर लोगे तो थोड़े महंगे मिलेंगे, तो एक दो लोगे तो फिर आपको महंगे मिलेंगे। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह से आप 12-13 हज़ार की लेते हो पाठ, जिस तरह 13 हज़ार की अपने शहरों में आप उसको सेल करो, तो वो सुकून से 15 हज़ार रुपये की सेल होती है, क्योंकि उधर के लोग इधर आते हैं जानवर लेने के लिए, किराया खर्चा भी होता है, गाड़ी का भी खर्चा होता है, तो उन लोगों का भी खर्चा होता है जब आते हैं, तो गाड़ी का पेट्रोल जिस तरह होगा उसका भी खर्चा है, तो इधर फिर कोई नहीं आएगा। जब उधर आप एक बड़ा सेटअप बनाओगे, तो बड़ा कारोबार करोगे, तो बड़ा बिजनेस करोगे, तो लोग उधर बहुत ज़्यादा जानवर लेंगे, फिर उधर आपका बड़ा एक कारोबार, बड़ा बिजनेस बनता जाएगा। इधर से आप कॉल करना, 100 जानवर बुक कराना, 150 जानवर बुक कराना है, इंशाल्लाह वो आपको जानवर बुक करके भेज देंगे। तो फी जानवर आपको 1,000 रुपये भी मुनाफा देना, आप उधर सेल परचेज करें, और चंद ही दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस तरह पता चलेगा, तो लाखों नहीं करोड़ों रुपये आप कमाओगे इस कारोबार में। टैडी बकरियां भी आप लें, राजनपुरी भी लें, मक्खी चीनी भी लें, बर्बरी भी लें, और हिरन करास में ये बकरियां आप देखें माशाल्लाह से, इस तरह की इधर आपको मिलेगी 20,000-25,000 रुपये की। जब लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, पिशावर में, पिंडी में, रावला कोट में, आज़ाद कश्मीर में, तो जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, तो जिधर भी आप बेचोगे ना, जो 20 की आपको मिलेगी, तो 25,000 रुपये की आपकी सुकून से उधर सेल होगी, तो 2,000 रुपये फी बकरी का आप खर्चा भी लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप देखें कितना इस कारोबार में फ़ायदा है। तो बाहर लोग जाते हैं यार फजूल जाते हैं, तो इधर घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं, तो जिस तरह बच्चे हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, इधर घर में गोट फार्मिंग करें और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपया कमाएं, घर बैठे लाखों रुपया कमाएं, गोट फार्मिंग करें, बड़ा एक सेटअप करें, बिजनेस करें। आप ज़्यादा नहीं रख सकते, अभी से आप स्टार्ट करें 10 बकरियों से, तो 1 माह बाद 20 करें, 2 माह बाद 30 करें, इस तरह जिस तरह आपके पास सेटअप बढ़ता जाए, तो बकरियां बिकती जाएँ, तो उस तरह फिर आप ज़्यादा पैमाने पे कारोबार करते जाएं, तो फिर आपको पता चलेगा इस कारोबार में किस तरह बरकत है और कैसा बरकत वाला काम कारोबार है। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे, तो 2,000 लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी है, काफ़ी सारे दोस्तों के पास ये वीडियो मेरी पहुँचानी है।